The parents of Balika Vadhu Pratyusha Banerjee, who allegedly committed suicide in April, have alleged that the Mumbai police was going easy on their daughter's death case, and due to it, Rahul Singh, the accused in the case who is still absconding, is getting opportunities to escape. आज जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि वो भागा हुआ है चार्जशीट के बाद से ही, उसको कोई ट्रेस नहीं कर सक रहा है, उसका फ़ोन ऑफ है, हम रेगुलर देख रहे हैं कहीं लिखता है फरार है, तो अगर वो भागा है तो इसका उत्तरदायित्व सिर्फ आईओ पर बनता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनका काम था उस पर वॉच रखना। और हम शुरू से ये कहते रहे, उस सबसे पहले वो जिनके पास आया था नीरज जी, वो भी कहते रहे कि ये हत्या है, ये मर्डर है, पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी कभी, हमेशा इसको सुइसाइड बता करके, और एबेटमेंट ऑफ सुइसाइड का ही चार्जशीट में फाइल किया है, ऐसा हमको सुनने को मिला है। हमें अभी तक चार्जशीट की कॉपी नहीं दी गई है। हमने जब पुलिस को फ़ोन किया तो मिस्टर पटांगन ने कहा कि नहीं नहीं वो आपको कोर्ट से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिल सकता है। हमें पता भी नहीं क्या प्रोसीजर है, हम कोर्ट में भटकते रहें, हर चीज़ के लिए हम भटकते रहें, पुलिस से कभी कोऑपरेशन मिला नहीं। हम दिल्ली गए थे सुप्रीम कोर्ट, उसका एक्यूज्ड का बेल कैंसलेशन के लिए, वहाँ भी जाके हमको पता चला कि टेक्निकली ये संभव नहीं है। पुलिस उसको क्यों मदद कर रही है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। क्यों? और जब पता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, इतना चीटर है, लोग सामने आए, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, शोक में डूबा हुआ है, लास्ट में मेरी बेटी का जान ही ले लिया उसने, फिर भी क्यों पुलिस उसको मदद कर रही है? पुलिस को तो चाहिए कि अभी जो चाहिर पटेल का केस हुआ कि जब उसको बेल नहीं मिला तब तो उसको चाहिए था कि इन्फॉर्मेशन दे दे कि फलाना जगह में है, उसको अरेस्ट करो। वो इतना अगर इनोसेंट है, उसने किसी से पैसे नहीं लिए, वो एकदम खुदा का बंदा है, तो अभी सामने क्यों नहीं है? और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ऐसे, पेरेंट्स की वजह से होता तो इतना 6 साल में तो कुछ हो गया होता था ना। Pratyusha's father said he would request special public prosecutor Ujjwal Nikam to fight the case. मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन देश के सारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मदद करें। ये जरूरी है, सब हमें मदद करें, नहीं तो लड़कियों के माएँ डर जाएंगी। लड़की ऐसे ही बोलती है कि लड़की बचाओ, और ऐसे टैलेंटेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम भरोसा किसके ऊपर, कहाँ से भरोसा करें अगर पुलिस हमारे साथ नहीं रहेगी तो? अगला कदम हम कल चार्जशीट का कॉपी पाना चाहेंगे। हमने हमारे यहाँ के जो नामी वकील है उज्जवल निकम जी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि चार्जशीट देख के मैं फिर ये करूँगा, अदरवाइज आप गवर्नमेंट को बोलो। हमने उनसे पहले भी, जब ये घटना घटी थी तभी उनके पास गए थे, इस बार भी उन्होंने कहा है, मैंने ये मुख्यमंत्री का चिट्ठी में लिखा भी है कि उन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहेगी तो मैं जरूर सामने आके इस केस में आप लोग को न्याय दिलवाऊँगा।